गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और दिन आज शुरू हो गया है, दूसरा दिन हमारा गोवा में शुरू हो गया है। तो फ़िलहाल अभी बस मैं जा रहा हूँ थोड़ा बीच पे, वहीं जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा मैं थोड़ा कैलिंगट बीच की तरफ, क्योंकि वहीं सारा क्राउड वगैरह जो है वो आता है। बस यहाँ पे कुछ ऐसा खास करने के लिए है नहीं, तो फ़िलहाल यहाँ से मैं बीच पे जा रहा हूँ। अगर कोई वाटर स्पोर्ट या की एक्टिविटी होती होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा कि है क्या नहीं है। तो फ़िलहाल आप बने रहें, थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स अगर पॉसिबल हो पाए तो लूँगा, हवा है नहीं वैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको ज्वाइन करता हूँ सीधा बीच पे पहुँच के। तो अभी मॉर्जिम बीच पे मैं हूँ और यहाँ पे मॉर्जिम के लिए मैं आपको कुछ खास बातें बता दूँ कि अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक तो पेट्रोल अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और हर जगह आपको पेट्रोल की जो प्राइस पड़ेगी ऑलमोस्ट 120 से 150 रुपये तक मिलेगा। पेट्रोल पंप है ही नहीं, और अगर है भी तो ये लोग ख़रीद लेते हैं खुद, जो लोकल वेंडर्स हैं। तो आपको वहीं से परचेज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने स्कूटी भी परचेज़ की है, परचेज़ मतलब रेंट की है, और इसका रेंट जो पड़ा है लगभग 350 रुपये फॉर 24 आवर्स, और उसमें पेट्रोल वगैरह वो कुछ इंक्लूड नहीं होगा। सिक्योरिटी के लिए आपकी एक आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग रखवाएंगे, और जब आप रिटर्न करने जाएंगे तो वो आपकी आईडी रिटर्न दे देंगे। और कहीं कहीं शायद ऐसा भी है कि डिपॉज़िट जो है वो रखवाते हैं, शायद 4 से 5 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है कि आप व्हीकल कौन सा ले रहे हैं। फ़िलहाल बस यहाँ से मैं अब निकलूँगा, निकलेंगे। आज यहाँ से रूम खाली कर रहा हूँ मैं। चलिए वहाँ जाके मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, बीच में रास्ता दिखाता हूँ कैसा है। थोड़े से आप इतने यहाँ के शॉट्स लीजिए। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मॉर्जिम बीच पे कोई भी वाटर एक्टिविटी नहीं होती है, और अगर आपको वाटर एक्टिविटी करनी है तो आपको बागा बीच जाना होगा या आरंबोल बीच आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ शेक्स देख रहे हैं, इन पे बैठने का कोई भी चार्ज नहीं है, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। और यहाँ पे रेस्टोरेंट के जो वेटर्स हैं वो अपने आप आकर आपको अप्रोच करेंगे, और यहाँ खाने पीने से लेके आपको ड्रिंक्स और हुक्का सब अलाउ है पीना, और यहाँ अवेलेबल भी हो जाएगा आराम से। अब मैं निकल रहा हूँ आरंबोल बीच की तरफ, और देखते हैं वहाँ कितने देर में पहुँचेंगे और आरंबोल बीच का नज़ारा कैसा रहता है। कौन से बीच जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मैंड्रम बीच। मैंड्रम बीच? हाँ, मैंड्रम बीच, आरंबोल बीच, स्वीट लेक बीच। फिलहाल जो व्यू है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर। ये रास्ता जो है इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। और जब आप इतनी ज़्यादा ग्रीनरी आसपास देखते हैं, इतने सारे कोकोनट्स के पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ, कि बस भगवान को शुक्रिया अदा करने का एक बार मन है कि उसकी बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया में देख पा रहा हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं आरंबोल बीच पर। ये लगभग मॉर्जिम बीच से पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर आगे, और यहाँ की एक स्पेशलिटी मैं आपको दिखाऊँगा अभी। अगर आप लोग आते हैं और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम भी फ़िलहाल अभी वहीं जा रहे हैं। दो सामने क्लिफ बने हुए हैं उसकी तरफ। एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू और दिखा देता हूँ कि कैसा है। आरंबोल बीच पर वाटर एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पे वाटर स्कीइंग और कायाक और बनाना राइड वगैरह होती हैं। रेट्स मैंने पता नहीं किए क्योंकि मुझे करना नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में आप ये जो घर बने हुए देख रहे हैं ये होटल्स हैं। अगर आपको बिल्कुल आरंबोल बीच पे ही रुकना हो, स्टे करना हो, तो आप इन होटल्स को भी देख सकते हैं। और ऊपर एक मार्केट भी है पूरा, जिसे आप लोग विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टे। जो यहाँ की रॉक्स हैं उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर रॉक्स हैं। आप भी एक बार ज़रूर आएँ। और जो लोग स्पेशली फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है आने के लिए। बहुत अच्छा बीच है। हमने पूरा अपना दिन आज घूमने के बाद अब यहाँ बैठे हैं आराम से शेक पे और यहाँ का सनसेट व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और हमने पूरा सनसेट यहीं पे कुछ ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए निकाला। आप लोग आएँ तो आप लोग भी इस तरीके से आरंबोल बीच को विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा एक ऐसे बीच पर जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच ऑफ गोवा है। उसकी आपको पूरी सैर कराऊँगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।